विशाल पता है कल मेरे साथ एक अजीब सी बात हुई। वो तो डेली होती है, लेकिन कल क्या हुआ? क्या हुआ कल? कल मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड घर पर नहीं थी, उसकी मेड ने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि मोबाइल फ़ोन घर पर ही है और मैडम कहीं गई हैं। तो मैंने पूछा कि कहाँ गई है कि फ़ोन घर पर छोड़ के गई। तो उसने कहा कि वो जहाँ गई हैं वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। ऐसी कौन सी जगह थी? हाँ, तो मैंने भी यही पूछा कि ऐसी कौन सी जगह वो चली गई कि वहाँ पर फ़ोन ही अलाउड नहीं है। तो उसने बोला कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बस ये कहकर गई है कि कमांडो ट्रेनिंग पर जा रही है। क्या बात कर रही हो, कमांडो ट्रेनिंग के लिए गई है वो? क्या नाम है, तेरा नाम बता दो ताकि कल को मुलाकात हो तो दीदी दीदी बोल के बात करूं। डर लग गया यार। कमांडो ट्रेनिंग सुन के मैं भी बहुत हैरान हो गई। और तुम मतलब एक्चुअली मेरे दिमाग में ना बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, मतलब बहुत ही बेवकूफ टाइप की बातें सोचने लगी मैं। क्या 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 हमारे साथ भी शेयर करो कुछ बेवकूफे वाली बातें। मैं ये सोचने लगी कि अभी रिसेंटली उसकी हमारी एक फ्रेंड है, उससे किसी छोटी सी बात पर थोड़ी सी अनबन हो गई थी, ठीक है। तो मैं ऐसी एकदम हिंदी फिल्मों वाली स्टोरी सोचने लगी कि अब वो बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह जा रही है, कमांडो ट्रेनिंग ले रही है कि अल्टीमेटली मुझे बदला लेना है। और मैं बदला लूं एकदम गनवन लेंगे, बनिता टाइप है। नहीं बनिता डिस्काउ नहीं। बट माजरा क्या था, मतलब इतनी ट्रेनिंग वगैरह की? ट्रेनिंग फिर मैंने उससे पूछा, मैंने उसको जब मेरी बात हुई फाइनली जब वो वापस आ गई तो मैंने उसको पूछा कि ये कमांडो ट्रेनिंग वगैरह क्यों हो रही है भाई। तो उसने मुझे बोला कि फिटनेस के लिए। अच्छा, फिटनेस के लिए, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई। नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया नहीं, खोदा छोटा पहाड़ और निकला बहुत बड़ा हिमालय है। हैं क्या? हाँ। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन ये कैसे? ये अभी एकदम इंस्टेंटली बना है। इस एक्सरसाइज की थोड़ी डिटेल वगैरह बताओगे? बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड के अनुसार ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो प्लीज शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं एक बहुत ही अच्छी कमांडो ट्रेनिंग में। फन एक्सरसाइजेस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कमांडो नेट की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर्मी ऑब्स्टेकल कोर्स। आर्मी की ट्रेनिंग में इस तरीके के काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स को यूज़ करके हमारी सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है। उसका एक चीज़ जो आपके सामने है, दैट इज़ कमांडो नेट। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है दैट यू बिल्ड अप योर मसल और यू जस्ट कंसनट्रेट ऑन वन बॉडी पार्ट। इट्स बेसिकली आपका स्टैमिना बढ़ना चाहिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। नाउ आई हैव राकेश विद मी, ही इज़ अगेन फ्रॉम रॉक स्पोर्ट, और वो आपको करके दिखाएंगे कि इस कमांडो नेट को करना कैसे है। सेफ्टी का अगेन हमें ध्यान रखना है, जहाँ भी आप इस कमांडो नेट को करें मेक श्योर कि ये जूट नेट का बना हुआ हो, कहीं पर भी नायलॉन नेट्स वगैरह नहीं यूज़ किए जा रहे हों। नेट कभी भी ढीला नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से टाइड अप होना चाहिए। प्लस इंस्ट्रक्टर आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा वहाँ पर होना चाहिए। कई बार ऊपर जाकर हमें डर लगने लग जाता है और हम इसको नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दी हाइट, बट वहाँ पर इंस्ट्रक्टर की अगर हेल्प होगी तो आप इस एक्टिविटी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के बाद काफ़ी मज़ा भी आता है एंड यू गेट दी सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब एक जगह पे पहुंच के आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर की हेल्प से जब आप उसको कर लेते हैं तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपकी फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें तो इसमें साथ साथ बढ़ी रही हैं। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बंद कमरों में एयर कंडीशन में हम लोग जाएं और मशीन्स पर एक्सरसाइज करें, अपनी कैलोरीज बर्न करें। हम इस तरीके की काफ़ी फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा स्टैमिना इंक्रीज होता है, हम लोग कैलोरीज बर्न करते हैं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली डेवलप होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। तो कभी कोई भी डेडिकेटेड टाइम नहीं है, जब भी आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ, रिलेटिव्स के साथ आएँ, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं। उससे आपकी आपस में भी बॉन्डिंग बढ़ती है, आपस में आपको करने के लिए एक नई चीज़ भी आपको मिलती है। फ्रेंड्स के साथ जो कर करके इधर उधर की चीज़ें हम लोग बोर हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बेसिकली मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को करते हुए आपने हमेशा सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कमांडो नेट, इट्स अ पार्ट ऑफ, जैसा कि मैंने बताया था, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्मी ऑब्स्टेकल कोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सेफ्टी प्रॉपर पूरी हो, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स के साथ, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स के साथ ही आपने हमेशा ये वाली एक्टिविटी करनी है। नेट्स प्रॉपर टाइड होने चाहिए, जूट नेट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ हमेशा होने चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो बड़ों का होना वहाँ पर ज़रूरी है। और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स, जिसमें स्टैमिना आपका बढ़ता है, फिजिकल फिटनेस आपकी इम्प्रूव होती है, आप इसमें कैलोरीज बर्न करते हैं, तो मज़े में फन करते हुए आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बरकरार रख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस को भी बरकरार रख सकते हैं।
तो देखा व्यूअर्स, मतलब कमाल की चीज है, मतलब सुनने में पहली बार आपको भी मेरी तरह शायद डर लगे, क्योंकि एक्चुअली मैं भी थोड़ा डर गया था कि इनकी फ्रेंड जो है वो कमांडो ट्रेनिंग कर रही है, मतलब हैज टू बी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप, बट देन एनीवे ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्सरसाइज है, आप इसको रेगुलरली कर सकते हैं, इससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस भी आप सीखेंगे। हाँ, सेल्फ डिफेंस बहुत बहुत मतलब आज के टाइम में वनिता देखा जाए तो स्पेशली जो लड़कियां वगैरह होती हैं उनके लिए ये काफी अच्छी चीज है। बिल्कुल, तो अब जब आपको पता चली गया है कि इसके इतने सारे फायदे हैं तो आप भी कमांडो ट्रेनिंग में जुट जाइए।